उसके बावजूद डीएचए के अंदर एक छोटा सा जंप तो जरूर हमें ओवरनाइट नजर आया, जिसमें इसकी प्राइसिस 78-79 लाख से ओल्ड एलोकेशन की ये 86-87 लाख तक गई है। उसके बाद से लेके तकरीबन लास्ट वीक से इसकी प्राइसिस डे बाय डे नीचे जो है वो गिर रही है। इसकी क्या बड़ी ऐसी रीजन है कि बैलेट होने के बावजूद भी लोग इसमें क्यों नहीं, इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, इसकी प्राइसिस क्यों नहीं पहुंचा रही है? तो क्या ये फेक प्राइसिस नीचे आ रही है या कि ये जेन्युइन ही जो है वो नीचे आ रही है? अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मार्केट को असेस किया, देखा तो बहुत सारे लोगों से इसके वाले से जो बात हुई गुफ्तगू हुई, डीएचए क्वेटा लाहौर साहब ऑफिस को भी यहाँ पर विजिट किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज देखा कि लास्ट बैलेट जो इसका अर्ली बर्ड का बैलेट हुआ था तो उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर लोगों ने बाइंग की थी, मार्केट भी तेज थी, रियल स्टेट की मार्केट, और इसके अलावा इसकी मार्केट के अंदर हाई भी बहुत ज्यादा थी, लोग बड़ी तेजी के साथ इसमें से पैसा भी बना रहे थे। इसमें एफिडेविट फाइल लास्ट बैलेट में उसके बाद से लेकर जिस वक्त इसका बैलेट हुआ है तो इसकी फाइल्स की जो प्राइस थी अर्ली बर्ड की वो बहुत ज्यादा नीचे गिरती हुई थी, और वो तकरीबन 100% तक वो नीचे गिरी, वो तकरीबन 1,35,00,000 से लेकर 1,50,00,000 तक में आज भी मार्केट में अवेलेबल है। अब लोगों ने देखा कि जो कि वो फाइल्स जो बैलेट हुई थी और जिनको प्लॉट नंबर अलॉट हुए थे वो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर थे, उसके बावजूद भी वहां का जो एंड यूजर है जो कि क्वेटा का एंड यूजर है जिसने वहां पे रहना है, जिसने वहां पे घर बनाना है, ऑब्वियसली प्लॉट वही परचेज करता है क्वेटा का या आउटर स्टेशन का जिसने वहां पे घर बनाना है। अलबत्ता इन्वेस्टर हजरात जितने भी हैं वो फाइल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि इस तरह ट्रेडिंग के अंदर देख लेते हैं, आज मैंने बाइंग की, महीने बाद देख रही हूँ क्या उसमें से चलता है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि वो लोगों ने देखा जब उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी उसके बावजूद उसका रेट 100% तक नीचे गिर गया, और ये बैलेट के बाद ओल्ड एलोकेशन की फाइल जब बैलेट होगी ये प्लॉट में कन्वर्ट होगी तो ये प्लॉट की प्राइसेस हमें और ज्यादा नीचे गिरती हुई नजर आ, इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर, सेयरिंग इन्वेस्टर आप कह लें और अकेलेबल इन्वेस्टर कह लें या उनको आप जो भी आप नेम दे लें वो इसमें थोड़ा सा रुक गए कि ये बाद में सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की अर्ली बर्ड की फाइल जिन्होंने बैलेट से पहले पहले सेल कर दी थी वो क्या हुआ, वो फायदे में रह गए, और वो जब उन्होंने बैलेट के बाद प्लॉट सेल करने की कोशिश की तो वो आज तक मार्केट में स्टक है कि अगर 10 प्लॉट मार्केट में आज से 3 महीने पहले सेल के लिए आए थे तो आज भी उनमें से 8 प्लॉट मार्केट में मौजूद है अर्ली बर्ड की, वो सेल नहीं हो रहे। तो लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको जो है वो मार्केट में बैलेट से पहले ही इससे निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, तो मार्केट में फाइल्स की तादाद सेलिंग के लिए वो ज्यादा आ गई, सप्लाई ज्यादा आ गई, डिमांड कम हो गई, और लोगों ने जब देखा कि सप्लाई ज्यादा गया, रेट थोड़ा सा नीचे हुआ है, और जो लोग मार्केट में इसको सप्लाई कर भी रहे थे आगे फर्दर बाइंग के हवाले से वो भी निकले, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड बहुत हद तक कम हो गई और रेट जो है वो डे बढ़ गई काम होना शुरू हुआ, और आज का रेट 74 लाख ओल्ड एलोकेशन फाइल का और यही आपका जो है फर्स्ट बैलेट की फाइल का हो चुका है, और उसके बावजूद भी मार्केट में इसका परचेजर इस वक्त तक भी मौजूद नहीं है। अगर एक दिन के अंदर 10 फाइलें सेल पे भी आ रही है तो उसमें से तकरीबन 3-4 फाइल्स मैक्सिमम 3 फाइल जो है वो सेल हो रही है, बाकी 6-7 फाइल जो है वो मार्केट में सेल नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो शेक हो गया है, क्योंकि लोगों ने जैसे ही बैलेट की डेट अनाउंस हुई है लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, जैसे बैलेट डेट अनाउंस हो गया वहां से एग्जिट करते हैं, और मार्केट रियल स्टेट मार्केट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त डिफॉल्ट की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा र्यूमर्स है, जो इस वक्त मार्केट में हर दूसरे दिन एक नई चीज एक नया र्यूमर आ जाता है कि आज हम असेंबली तहरीक कर रहे हैं और आज हम जो है वो नया चीज लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट साइड से भी वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो कन्फ्यूज है, तो लोगों का ट्रस्ट इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इसके रेट्स बहुत ज्यादा नीचे आए हैं। हालांकि मेरा अपना ज़ाती असेसमेंट ये है क्वेटा के अंदर इस वक्त रियल स्टेट देखिए वो बहुत महंगी रियल स्टेट है, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी है, और ये फायर जब प्लॉट जो है ये आने वाले दिनों में बहुत महंगे बिकेंगे, लेकिन लोगों ने जितने भी क्वेटा के इन्वेस्टर थे वो कोई भी लॉन्ग टाइम होल्डिंग के माइंडसेट से आए नहीं था,
जिन लोगों ने भी फाइल्स ली थी, जिन लोगों ने भी एफिडेविट फाइल ली थी, एलोकेशन फाइल ली थी, उन सबका एक ही पर्सपेक्टिव था और कि हम यहाँ से शॉर्ट टाइम के अंदर पैसा मार के पैसा अर्न करके हम किसी और प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगे जहाँ पे उस जगह पे हम पार करेंगे, जिस जगह पे हमें होल्ड करेंगे, जिस जगह पे हमें यहाँ पे बड़ा फायदा होगा। हालांकि रियल स्टेट मार्केट कभी भी ट्रेडिंग की मार्केट नहीं रही, बदकिस्मती से हम लोगों ने इसको बना दिया हुआ है ट्रेडिंग की मार्केट। यहाँ पे होता ये है कि आप कोई भी जब चीज़ लेते हैं, एसेट लेते हैं, इसको अगर आपकी होल्डिंग नहीं है साल से दो साल कि कम से कम आपके पास होल्डिंग नहीं है तो आप इसमें आप फायदे में रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। अलबत्त फायदा नफा नुकसान ये होते ही रहता है, लेकिन आपका जो एक जंप होता है जो रियल स्टेट का जो बड़ा जंप होता है जिसको हम बड़ा मेजर बेनिफिट कहते हैं, वो साल से दो साल की होल्डिंग के ऊपर ही मार्केट में आता है। जो लोग एक या दो महीने या छः महीने की होल्डिंग के साथ मार्केट में आते हैं, बदकिस्मती से ये वो मार्केट नहीं है। तो रियल स्टेट के अंदर और इस तरह खासतौर पर डीएचओ कोटा के अंदर इस तरह के इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, और जब अभी उन्होंने एग्जिट करने की कोशिश की है और वो ज़्यादा इन्वेस्टर था, डिमांड अभी है नहीं, लोगों ने वहाँ पे जिद बाइंग का वैसे रियल स्टेट में नहीं कर रहे, और जब लोगों ने ये देखा हम कोटा के अंदर बाइंग करनी है तो क्यों ना हम उससे बेहतर है लाहौर की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हम इसके अलावा कोई और किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ को पसंद हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल था इस मार्केट को नीचे आने का। इसमें रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, लाहौर के इन्वेस्टर का जो है वो बहुत बड़ा हाथ था डीएचओ कोटा की मार्केट को उठाने में, और आज उन्हीं का हाथ है इस मार्केट को दोबारा जो है वो रोकने में या एक जगह के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड करने में। एक छोटा सा ब्लॉग था, एक अपडेट थी डीएचओ कोटा के हवाले से रेट्स को लेकर, जितनी मार्केट के अंदर रिव्यूज थी, जितने भी लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मैंने कहा मैं वीडियो बना के लोगों तक पैगाम पहुंचा सकूं ताकि लोगों को आप जो है वो चीज़ ये आए कि कोई ऐसी मार्केट में ऐसी मार्केट रूमर नहीं है कि लोगों के मार्केट में क्रैश करने वाली है। अलबत्ता ये सिर्फ एक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट जो है वो नीचे नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस ब्लॉग से, इस अपडेट से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अगर हो तो दिए गए इस चैनल को, इस पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, सपोर्ट कर दिया करें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। तब तक के लिए आसान।